दिल्ली में मौसम भले ही अपना पारा पलट रहा हो, लेकिन राजनीति का मीटर लगातार ऊपर उठता जा रहा है, जिससे कि राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। आपको हम बता दें कि राजनीति में बीजेपी इस समय अपने कार्यकर्ताओं द्वारा मेहरौली विधानसभा में 25 टन गुड़ कपड़े के थैले में रखकर लोगों को बांट रही है, क्योंकि कच्ची कॉलोनियों को पक्का होने की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मुंह मीठा का रस्म गुड़ खिलाकर अदा कर रही है। आपको बता दें, तस्वीरें आप दिल्ली के मसूदपुर के हरजन बस्ती की देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को क्षेत्र में पहुंचते हैं और लोगों को कच्ची कॉलोनी पक्का होने की खुशी में बताते हैं और साथ ही साथ उनको मुँह मीठा कराते हैं और गुड़ खिलाकर। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का जो पर्यावरण है दिल्ली का, उसको लेकर भी चिंतित थे आजाद सिंह और इस वजह से लोगों का गुड़ खिलाकर मुंह मीठा किया, साथ ही साथ प्लास्टिक ना यूज करने के लिए उनको थैले भी बांटे गए। आर सोनी न्यूज के लिए सहयोगी दौलत शर्मा के साथ गौरव सिंह और आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। आजाद जी, आज आप गुड़ बांट रहे हैं, क्या कारण है? गुड़ बांटने के कारण दो हैं, मैं आपको बताऊं जी। एक तो देश के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, अनेकों काम उन्होंने किए हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है, जो हमारी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं वो पास की हैं, तो आज हमारी यहाँ की RWA हरिजन बस्ती ने तय किया कि हम एक प्रोग्राम करके मोदी जी का धन्यवाद करेंगे और 22 तारीख को रामलीला मैदान जाने के लिए आह्वान करेंगे। तो उसमें हमने ये तय किया कि जो उन्होंने कहा हम लड्डू बांटेंगे, तो हमने लड्डू ना बांट कर आज तय किया है कि आज के दिन से दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है और पोल्यूशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मानी जाती है, जो आयुर्वेद में डॉक्टर सब लोग हमारे बताते हैं, वो गुड़ खाना बताया जाता है। तो आज हमने तय किया है कि 25 टन यानी कि 25,000 किलो हमने गुड़ मंगाया है और वो यूपी से बन के हर तीसरे दिन आएगा ताज़ी ताज़ी गुड़, और हमने थैलों में डालकर तीन कार्य उससे होंगे। एक तो कॉलोनी पास होने के खुशी में मुँह मीठा कराएंगे, दूसरा प्लास्टिक मुक्त मेहरौली विधानसभा हमने एक नारा दिया है उसको हम पूरा करेंगे, हर घर में कपड़े का थैला देंगे ताकि प्लास्टिक का यूज ना करें, और तीसरा काम गुड़ का वितरण, ताकि हमारी जो माताएं भाई जो हमारे बंधु बुजुर्ग हैं वो गुड़ खाएं और स्वस्थ रहें। और उसको लेकर, क्योंकि हमारे आज का जो युवा है, बुजुर्ग तो गुड़ खाते हैं जैसे माताजी ने बताया, युवा गुड़ नहीं खाते, तो उनको हम आदत डालेंगे कि गुड़ खाएं और स्वस्थ रहें। कब से कहां से कहां आप? आज हमारा वाल्मीकि मंदिर है अभी, और आज हम सुबह यहां से अभी शुभारंभ कर रहे हैं, आज से लेकर और 15 जनवरी तक हमने तय किया है सुबह शाम। आज हमने यहां पर रखा है, शाम को किशनगढ़ गांव में गौशाला रोड से हम शुरुआत करेंगे, कल रजोकरी में, परसों मेहरौली गढ़वाल कॉलोनी में, फिर लाड़ोसराय में। हमने ऐसे पूरा एक महीने का, आज से लेकर एक महीने का शेड्यूल बनाया है, और हम सुबह शाम दोनों समय घर घर जाएंगे और गुड़ का और थैले का वितरण करेंगे। हमारी कॉलोनी पास करवा दी, इससे हम बहुत धन्यवाद कर रहे हैं बेटे से, बहुत बहुत गुड़ को लेके क्या कहेंगे? गुड़ को लेके बहुत खुशी है, हम गुड़ के गुड़ ही खाते हैं, हम तो गुड़ शक्करा खाते हैं, गुड़ शक्कर खाते हैं, गुड़ शक्कर चीनी चीनी नहीं खाते, हां नहीं बोरा खाते, नहीं चीनी खाते, आप बताइए आजाद जी ने आपको भी कुछ बोला भी दिया? आज बोला भी दिया हमारे को, गुड़ हम खाते हैं दोनों टाइम खाते, खाना खाने के बाद में किसी ने नहीं करा जैसे आजाद सिंह बेटे ने करा हमारे लिए, बहुत बढ़िया काम, बहुत धन्यवाद कर रहे हैं हम तन मन धन से।